खरगोन हिंसा के 14 दिन बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने खरगोन एसपी को ज्ञापन सौंप दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। भड़काऊ भाषण खरगोन जुलूस में शामिल लोगों को हिंसा के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया कि पिछले दिनों खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान आपत्तिजनक अभद्र मुस्लिम समाज की महिलाओं के प्रति अश्लील और मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने वाले नारों के कारण सांप्रदायिक हिंसा हुई, जो अत्यंत दुखद है। जिस तरह एक समूह धर्म की आड़ में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है, वो कोई ढकी छिपी बात नहीं है। यह समूह धार्मिक यात्राओं के नाम पर हथियारों समेत तय मार्गों का उल्लंघन कर मुस्लिम बस्तियों में घुसता है, मस्जिदों के सामने भड़काऊ नारेबाजी करता है, जिससे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कुछ इन्हीं कारणों से खरगोन में भी हिंसा भड़क उठी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अधीक्षक, खरगोन से आज हमारी मुलाकात हुई है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ और आज हमने उन्हें खरगोन के संबंध में एक आवेदन दिया है, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि खरगोन में जो एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, मुसलमानी की ही संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को ही तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो इस संबंध में उनसे निवेदन किया है कि ये एक पक्षी कार्रवाई ना करें। क्योंकि ये विवाद दो पक्षों का है तो कार्रवाई दोनों पक्षों पर बराबर होना चाहिए। दूसरा ये कि इस पूरे विवाद में पुलिस ने बहुत सारे ऐसे लोगों को उठा रखा है जो नाबालिग हैं और निर्दोष हैं। हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जो लोग इसमें निर्दोष हैं और जो नाबालिग हैं उनको भी रिहा किया जाए। साथ ही हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि जो एक व्यक्ति यहाँ मृत हो गया है, जिसका नाम इब्रेश है, उसकी हत्या में जो लोग शामिल हैं उनके भी मकान तोड़े जाने चाहिए और जो तीन लोग फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनके भी मकान तोड़ना चाहिए। यही सारा निवेदन आज हमने उनसे किया है और साथ साथ ये निवेदन किया है कि खरगोन में अमन अमान बनाने के लिए सारे लोगों के ऊपर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करें। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय विशेष पर कार्रवाई होना चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो एक व्यक्ति है कपिल मिश्रा, वो इस पूरे घटनाक्रम का रचनाकार है, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है। हमने उनसे ये भी निवेदन किया है कि कपिल मिश्रा के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाकर उसको भी गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम आपका? डॉक्टर मुमताज कुरैशी, प्रदेश महासचिव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। जब सड़कों पर निकलेंगे तो उनका रास्ता बदलने वाला कोई माइकल आल पैदा नहीं हुआ है। आज केवल मैं छोटी छोटी दो तीन बातें कहूंगा। सबसे पहली बात, जो काम भगवान राम के जीवन से सीखा है वो एक काम है। भगवान राम अगर चाहते हैं तो अयोध्या की और जनक की सेना, दोनों सेनाओं को ले जाके भी रावण से लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? संगठन का निर्माण किया, एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। एक बार एकता के सूत्र में बंध गए तो किसी भी रावण का नाश कर सकते हैं। इसीलिए एक ही मंत्र, हिंदू वयम हिंदू केवलम, हिंदू वयम हिंदू केवलम, हिंदू वयम हिंदू केवलम, हिंदू वयम हिंदू केवलम, हिंदू वयम हिंदू केवलम। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।